वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो नूं शुरू करन तो पहला एक लाइक कर दिया करो ता जो असी होर वीडियोज़ तुहाडे लई खुशी खुशी बना सकीए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का दरबार सजिया होया सी। गुरु जी अपने सहसन उत्ते बैठे हुए सन। कीर्तनी जत्थे मधुर आवाज विच गुरबाणी का गायन करके हटे ही सन कि उदों 10-15 सिखां दा एक टोला बाहर दरबार विच पेश होया। उन्हां दे पिछे बच्चे, जवान अते होर लोक उच्ची आवाज विच हसदे होए अते मजाक करदे आ रहे सन। इन्हां सिखां दे कोल एक गधा सी जिस नूं उह दरबार दे बाहर बन्न आए सन। आउण वाले एक सिख ने अपने मोढे उत्ते शेर दी सुंदर खल लटकाई हुई सी। उस खाल दा कुछ भाग हत्थां नाल फड़िया होया सी। जदों सारे सिखां ने गुरु जी नूं सिर झुका के प्रणाम कीता तां गुरु जी ने इस विचित्र सोनगुल दा कारण पुछया। उन्हां ने लोटपोट हुंदे होए सारा वारतांत सुनाया। इस घटनाक्रम नूं सारी संगत ने बड़े ध्यानपूर्वक सुनिया। उस सिख ने दस्या कि हे हजूर, पिछले 3-4 दिनों वालों नगर के पछम की तरफ निकलन वाले लोग एक शेर नूं नगर सीमा दे कोल खेतां दे उस वल जंगल दे नज़दीक घूमते हुए वेख रहे सन। उस वालों आउण वाले लोग काफ़ी सतर्कता वालों आउणा जाहर कर रहे सन। एक दो यात्री तो शेर नूं दूरों ही देख के डरदे मारे नगर वालों भज के वापस चले आउंदे सन। यह चर्चा नगर विच डर दा कारण बनी हुई सी अते तुहानूं इस दी सूचना दित्ती गई सी। इस उत्ते गुरु जी दी हल्की हल्की मुस्कुराहट वालों सारी संगत उत्ते नज़र पा रहे सन। उस सिख ने गलबात अगे जारी रखदे हुए कहा कि पुट्टिया पहाड़ निकलिया चूहा। अज सवेरे नगर दा घुमियार कुछ गधे लै के चिकनी मिट्टी लैन नगर दे बाहर जा रहे सन। इन्हां गधियां नूं वेख के उस शेर ने रेकना शुरू कर दिता। उस शेर नूं रंकते वेख के घुमियार नूं असलियत समझण विच देर नहीं लगी। उसने उस शेर नूं जा फड़िया अते जांचिया। किसे ने बड़ी सावधानी नाल इस गधे उत्ते शेर दी खल चाड़ दित्ती सी जिस कारण दूरों इसका बिल्कुल भी नहीं पता लगता सी। घुमियार ने इस शेरनुमा गधे दी शेर वाली खल उतार ली जो कि असी तुहाडे कोल लै के हाजिर होए हाँ। ओह गधा हुण असी बाहर बन आए हाँ। सारी संगत हसी अते लेट पेट हो रही सी। सारे लोग इस हस्यापद घटना नूं सुन के हसी नहीं रोक रहे। बाहर वालों आया होया सिख सारिआं नूं तथाकत शेर दी खल विखा रहा सी। गुरु जी ने सारिआं संगतां नूं संबोधित करदे होए कहा कि तुसी सब इस शेर नूं मगधे दी असलियत जाहर होण उत्ते हस रहे हो, पर इह दसो कि आप जी विचों कौण उस शेर नूं मगधे दा भरा है। छिपाण दी कोशिश ना करो। सारी संगत विच कोई भी अजिहा नहीं निकलिआ जो शेरनुमा गधे दे नाल संबंध जाहर करदा होवे। गुरु जी ने कहा, सिखां विचों बहुत सारे व्यक्ति अजिहे हन जो मजबूती अते विश्वास की कमी के कारण समा समा विचलित रहिंदे हन अते डमगमा के भटक जांदे हन। उन्हां नूं केवल वेखा वेखी सिखां वाला स्वरूप जाहर कर लिया है, पर अंदर वालों चाल चलन सिखां वाले नहीं हन। केवल वेश सिंगार सिखां वाली बना लेंदे हन, धर्म दा असली मुनाफा प्राप्त नहीं हुंदा। जिन्हां सिखां ने अपने मन नूं समर्पित नहीं कीता उन्हां दी बाहरी दिखावट केवल धर्म दा टकसोला बन के रह जांदी है। कम क्रोध लोभ मोह हंकार उत्ते काबू पा के अखीरकार दी शुद्धि त्याग मधुरभाषी परोपकारी जिवें
ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਦਾਚਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਮੜਵਾ ਕੇ ਇਹ ਕੌਤੁਕ ਰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਕੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।